Hello everyone, in this video I'm going to discuss the principle of curriculum construction. जब भी curriculum construction होता है तो कुछ principles को ध्यान में रख के curriculum को बनाया जाता है और वो principles हैं, first, principle of child centeredness, मतलब बच्चे को ध्यान में रख के एक principle है. The curriculum should be able to provide the opportunities seeing the needs, wants of learners. करिकुलम जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए बच्चे की नीड को देख के, उसके ज़रूरत को देख के. करिकुलम शुड सेटिस्फाई द फिज़िकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. एंड ऐसे करिकुलम को सेट किया जाए कि वो बच्चे की ओवरऑल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे, फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट. एंड दिस वे चाइल्ड सेंटर्ड जो है हम दे पाएंगे बच्चे को एजुकेशन. द सेकेंड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. द करिकुलम शुड हेल्प लर्नर लिव एंड एन्जॉय लाइफ वाइल लर्निंग. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में है कि करिकुलम ऐसा हो कि बच्चे जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन्जॉय करते करते कुछ सीखे, ये ना हो कि उन पर एकदम प्रेशर बन जाए. And curriculum should provide practical knowledge so that they can use their knowledge in solving day-to-day problems. Curriculum वैसे design हो कि वो बच्चे को practical knowledge दे जिसका वो use daily life में कर सके. The third one is principle of creativity. The curriculum should provide pleasant atmosphere and basic facilities to do activities because activities will make them creative. Them मतलब learner. करिकुलम को बच्चे को प्लीजेंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए विथ बेसिक फैसिलिटीज़ सो दैट दे वुड बी एबल टू नो डू एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटीज़ विल मेक देम क्रिएटिव. द फोर्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस. द करिकुलम शुड एम्फसाइज लर्निंग बाई डूइंग. द लर्नर शुड बी गिवन फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़, रियल लाइफ स्किल्स शुड बी टॉट. उनको लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो खुद से करके सीखें, उनको रियल लाइफ स्किल्स सिखाया जाना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू बी इन द सोसाइटी एंड दे हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. द फिफ्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी. द करिकुलम शुडंट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू कैटर टू स्टूडेंट्स, द चेंजिंग नीड ऑफ द लर्नर एंड द सोसाइटी. करिकुलम को बहुत फ्लैक्सीबल होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी चेंज हो जाए. द स्टूडेंट शुड बी गिवन इनफ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑटोनॉमी टू सेलेक्ट देयर कोर्स ऑफ एक्शन. उनको अपना एक्सप्रेस करने का, अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने का उनको राइट होना चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपना कोर्स सिलेक्शन खुद करें. The sixth one is principle of social relevance or community centeredness. It should be based on the purpose of the society. Curriculum जो है वो ऐसे design किया जाना चाहिए कि वो community और society के भी purpose को fulfill करे. It should be based on the needs and requirements of the society. Society में क्या चीज़ क्या need है, क्या चीज़ चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए. While organizing a curriculum, the future of student should be kept in mind. बच्चों का future दिमाग में रख के बनाना चाहिए कि जैसे अभी technology बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उनको धीरे धीरे, अभी देखिए coding, decoding ये सब सिखाया जाना चाहिए. The student should be provided the knowledge of all the new terms because ultimately they have to face the society. उनको हर एक term पता होना चाहिए क्योंकि lastly वो इसी world में रहने वाले हैं और यहीं पर सीखने वाले हैं. The seventh one is principle of conservation. The curriculum should help in preserving and spreading the tradition and culture of the nation. हमारा ऐसे बनाना करिकुलम होना चाहिए जिससे वो बच्चे अपने कल्चर से जुड़े रहें, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहें और इसको फैलाने में भी नेशन का हेल्प करें. The eighth one is principle of balancing. Curriculum should be able to balance the objectives and content, objectives and abilities, and objective and learning experience. बच्चे की ability को देखते हुए content design होना चाहिए, उनके learning experience को देख के content design होना चाहिए. It should be
क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन कंटेंट एंड स्टूडेंट्स, कंटेंट और स्टूडेंट के बीच में एक बैलेंस हो कि वो बच्चे को बॉदर ना करे. द नाइन्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, करिकुलम शुड इंटीग्रेट द चाइल्ड्स नीड एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी. करिकुलम को बच्चे का नीड और सोसाइटी का नीड ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किया जाना चाहिए. द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स नीड्स as well as the priorities of the nation. ये priorities of the nation, nation की क्या priorities हैं, क्या nation में ज़रूरत है लोगों को, और individual का क्या need है, दोनों को combine करके एक curriculum design होता है. तो these are the principles of curriculum construction. Thank you.